What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. First of all, happy holiday to again to all of you. और enjoy करना है अच्छे से, कोई भी tension नहीं लेनी है. आज अच्छे से आप लोगों को मन भर के होली खेलनी है. देख लेते हैं यहाँ पर कितनी शानदार बात बोली गई है. प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी. ये रंग न जाने कोई जात न बोली, सबको हो मुबारक ये हैप्पी होली. तो देखिए होली को आपको अच्छे से एंजॉय करना है, जितना कर सकते हैं उतना खुश रहना है, और इसके बाद में फिर अपना एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों को लग जाना है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं पास में, तो इसलिए अब कोई भी कोताही नहीं बरतनी है. हाँ, ये बात एक बार मेरे टीचर के द्वारा बोली गई थी और आज तक भी मुझे याद रहती है कि जहां पर हो वहां पर जिंदगी को जियो. अगर एंजॉय करना है तो अच्छे से करो, अगर पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करो, जो भी काम करना है उस काम में अपना पूरा मन लगाओ. ठीक है, मतलब जहां पर हो वहां पर जीना सीखो. होली खेलनी है तो अच्छे से खेलो, और जब पढ़ाई करने बैठोगे तो उस टाइम अच्छे से पढ़ाई करने बैठना, कोई भी टेंशन माइंड में नहीं रखनी है. 2 मार्च है, देख लेते हैं. नैनो मैगजीन के तहत पीआईबी देखेंगे, योजना देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो देखेंगे, प्रीलिम्स के फैक्ट्स और क्वेश्चन देखेंगे, और जो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी आप लोगों के सामने होंगे. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है. और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, आजकल मैं थोड़े जो टॉपिक है ना थोड़े पीछे के उठा रहा हूँ, मतलब जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे. जो पास्ट में मुझे लगता है अच्छे टॉपिक्स हैं, आप लोगों का रिवीजन का थोड़ा सेशन भी यहाँ पर साथ साथ में चलता रहेगा. कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों के पीछे से लेकर चल रहा हूँ, हालांकि काफी स्टूडेंट्स ने सुने नहीं होंगे इसलिए आप लोगों को नए लगेंगे, पर लेकिन टॉपिक्स जो है आप लोगों के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं जिससे आप लोगों का रिवीजन भी चलता रहे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे लगते हैं पुराने जो हो चुके हैं पर एग्जाम में आ सकते हैं, विद इन 1 ईयर का लेकर चल रहा हूँ मैं थोड़ा एक टारगेट. ओके, तो हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे. बात की जा रही है एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट की. तो ये इस तरीके का इंडिया में फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो गांव वाले एरिया में स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की जा रही थी. पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर गांव में देखे कोई भी इस तरीके की लाइट लगाई जा सकती है तो वहां पर बहुत सारा अच्छा एनवायरमेंट बन जाता है, बैठकर लोग बात कर सकते हैं आराम से, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वहां पर पढ़ भी सकता है, और भी कई सारे काम यहाँ पर निपटाए जा सकते हैं. आसपास वाले एरिया में चोरी वगैरह होने के भी चांसेस कम रहते हैं, अगर लाइट जली रहती है तो बहुत फायदा उस आसपास वाले एरिया में हो जाता है. तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एलईडी लाइट के प्रोजेक्ट चलाए गए थे, पर लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए फर्स्ट जहां पर कोई काम इस तरीके का होता है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. तो फर्स्ट एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला एरिया यहाँ पर आप लोगों को आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है. यह एनर्जी इफिशियंट सर्विस लिमिटेड EESL इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है. तो यहाँ पर लगभग 10 लाख कन्वेंशनल जो स्ट्रीट लाइट है उनको एलईडी से यहाँ पर रिप्लेस करने की बात की गई है, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला ग्राम पंचायत 7 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है. ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, आप लोग ये देखेगा आज जाकर अपना अपना स्टेट कौन सा है, सामने आप लोग स्टेट का नाम याद रखेगा जो भी आप लोगों का स्टेट है, और उसके सामने अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लिखा, कितने भी आप लोगों के स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है, पहले स्टेट का नाम फिर लिखेगा इतने डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, इतना कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए. तो आंध्र प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जाना है. तो फर्स्ट इस तरह का प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री में इस तरह का प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, खासकर एनर्जी को बहुत सेव करने का ये काम करेगा यहाँ पर. और किसके तहत ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, इंडिया स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोजेक्ट, उसके तहत यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है. एलईडी बोला जाता है जिनको, बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड. आप लोग अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हैं तो नॉर्मली पता होगा सेमीकंडक्टर यहाँ पर सोर्स होता है जिसको यहाँ पर यूज किया जाता है, और काफी अच्छे से यहाँ पर एनर्जी को सेव किया जाता है इसके तहत. ठीक है, ये सारी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में पढ़ी होगी, कई बार आप लोगों से नाम भी पूछ ले जाते हैं इनके की क्या क्या यहाँ पर यूज किया जाता है, कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट लगता है. तो ये बेसिक सी चीज है, आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं सेमीकंडक्टर के 2-3 आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा प्रोडक्ट के नाम, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये चीज ये यूज करके यहाँ पर कई बार कंडक्टर वगैरह, ये सारी चीजें मतलब नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ी होगी. वैसे ये नॉर्मल साइंस में भी आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह में भी देखी होगी, जो 9th 10th की जो एनसीईआरटी है तो उनमें भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो टोटल उस पर फोकस देकर कीजिएगा थोड़ा, इस तरीके की बेसिक चीज कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग इसे आइडिया लगाया जा रहा है कि 1.47 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अप्रोक्सीमेटली सेव की जाएगी अगर यहां पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो सेव करने का भी काफी अच्छा साधन यहां पर देखने को मिलेगा. और इसी के तहत लगभग 12 करोड़ टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिडक्शन होगा, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर जनरेट होने से बच जाएगी. तो आप लोग समझ सकते हैं कितना शानदार यहां पर प्रोजेक्ट होगा ये. दूसरी बात क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फंड किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है फ्रेंच की डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, तो फ्रांस कंट्री के द्वारा ये फंड किया जा रहा है. तो काफी इंपॉर्टेंट कई सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के लिए होगी, अगर कोई भी पूछे कोई भी क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में. जब से किसानों की इनकम डबल करने की बात की गई है तब से कई सारी एजेंसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसी तरीके की एजेंसी यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए. इसके बारे में आप लोगों से अगर बात करूं यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक
कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को मार्केटिंग कोऑपरेटिव जिस तरीके से देखें, नॉर्मली क्या होता है अगर एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट है किस तरीके से उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिंग लिंक आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, अक्टूबर 1958 में इसका गठन किया गया था। पूरा फोकस कहीं पर है, प्रमोशन करना है इसका एग्रीकल्चर के ट्रेड की। एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप लोग यहाँ वेजिटेबल ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, और भी कोई प्रोडक्ट जो भी आप लोग यहाँ पर सोच समझ सकते हैं अपने दिमाग में, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनको किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, ट्रेड को प्रमोट किस तरीके से किया जा सकता है, और नेचुरल रिसोर्सेज को और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। मिनिस्ट्री किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करता है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए थोड़ा इसके बारे में कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा प्रोक्योर करने वाली एक तरीके से एजेंसी आप लोगों के सामने है। मतलब जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए हमारी एग्रीकल्चर में उगाए जाते हैं, ये लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक एजेंसी है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यहाँ पर लेती है। 2008 में आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, जिसको हम NSE बोलते हैं, तो वहां पर इसका जॉइंट वेंचर आप लोगों को नजर आया किसके साथ में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया के साथ में। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर कोई पूछे तो दो चार बातें आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। सीधा सीधा अगर मोटे मोटे शब्दों में बोलूं तो किस तरीके से हम अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी बिचौलिए के, यह है इसका सीधा सीधा मतलब। ठीक है, और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो NAFED के, तो नेफेड के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। कुछ कोर सेक्टर होते हैं हर एक कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो उस कंट्री की इकोनॉमी को चलाने का काम करते हैं। इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी कुछ कोर सेक्टर हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल हमारी कंट्री में 8 कोर सेक्टर हैं। आप लोगों के सामने है यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, स्टील हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, नेचुरल गैस हो गया। टोटल गिनोगे तो आप लोगों के सामने ये 8 आएंगे यहाँ पर निकलकर। कई बार पूछ लिया जाता है किसका सबसे ज्यादा यहाँ पर, जब यहाँ पर बात की जाती है IIP में, तो उसका सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर याद रख के चलिएगा इस तरीके क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना यहाँ पर जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नॉर्मली अच्छे से यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी देखने को मिल रही है आप लोग देखते हैं जंप कितना हो गया यहाँ पर। हालांकि इतना ज्यादा जंप वगैरह याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, 8 सेक्टर आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और आज की डेट में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा इन 8 सेक्टर में जितना ज्यादा बढ़ता है और जितनी ज्यादा घटता है उतनी ज्यादा हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो ऊपर नीचे आप लोगों को होती हुई नजर आएगी। तो किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, इसके द्वारा यहाँ पर 8 जो कोर इंडस्ट्री है उनका इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जनवरी में 2018 की अगर बात की जाए 6.7 यहाँ पर देखने को मिलेगा, जनवरी 2017 की बात की जाए तो 3.4 था, तो लगभग डबल हो गया है। यहाँ पर 8 कोर सेक्टर को अगर देखेंगे आप लोग दिसंबर में और नवंबर में, तो वहां काफी इंपैक्ट आप लोगों के सामने पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला था कई सारी चीजों से हमारी इकोनॉमी गुजर रही थी, और अब कहीं ना कहीं वो ओवरकम कर चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा डिमोनेटाइजेशन हुआ था आप लोगों को देखने को मिला, GST को इम्प्लीमेंट किया गया था, और भी कई सारी छोटी छोटी रिफॉर्म हमारी कंट्री में किए गए थे, बैंकिंग सेक्टर में NPA में रिफॉर्म किए जा रहे थे, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीजों पर भी आप लोगों कई तरीके एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल रही थी। तो उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी, तो ये बोला जाता आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी अच्छे लेवल पर बढ़ती नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं दिख रही है अब आने वाले टाइम में एक अच्छे डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी चलती हुई नजर आ रही है। देखिए इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में किस तरीके से हम लोग शांति बनाए रख सकते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्मी का सुपर 40, ये एक कोचिंग का इनिशिएटिव है जिसके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने, लगभग 26 बॉयज और 2 गर्ल्स यहाँ पर अब की बार आप लोगों को देखने को मिला सिलेक्शन हुआ यहाँ पर IIT में। तो ये इन्हीं के द्वारा कोचिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, आर्मी के द्वारा सारी अरेंजमेंट किया जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर पढ़े लिखे यहाँ पर इंसान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अच्छा एनवायरमेंट वहां पर बनाया जा सकता है। देखिए बच्चे में कभी किसी में कोई कमी नहीं होती है, अगर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो एक अच्छे से पढ़ लेगा, अगर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा फिर वो वैसा ही हो जाएगा। तो आर्मी के द्वारा काफी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इस तरीके से यहाँ पर मुहिम चल पाती है आने वाले टाइम में और भी अच्छे से यहाँ पर बच्चे पढ़ के निकलेंगे और उस एरिया में काफी अच्छे से डेवलपमेंट करते हुए नजर आएंगे। और अकेले आर्मी के द्वारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा रहा है, ये सुपर 40 जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्मी के साथ में पार्टनर कौन कौन है ये याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंटर फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लर्निंग CSRL, और दूसरा है यहाँ पर पेट्रोनेट LNG, तो इनके दो के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट सुपर 30 यहाँ पर चलाया जा रहा है आर्मी के साथ मिलकर CSRL और पेट्रोनेट LNG, ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में चलाया जा रहा है, एक कोचिंग टाइप का इनिशिएटिव है, ये बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ओके,
चिल्का लेक आप लोगों ने सुना ही है, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, ये आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलती है। यहाँ पर लार्जेस्ट इरवाडी डॉल्फिन ग्लोबली यहाँ पर देखने को मिली है, यहाँ पर लगभग 155 जो कि पहले यहाँ पर स्पॉट की गई थी, लगभग 100 डॉल्फिन एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए एनुअली, अब की बार यहाँ पर 155 देखने को मिली है। इस तरीके की मछली आप लोग देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो कई बार एरिया में पूछ लिया जाता है, चिल्का लेक भी न्यूज में है, ये भी न्यूज पिक्चर में आ सकती है। इरवाडी डॉल्फिन ग्लोबली सबसे ज्यादा कहाँ पर स्पॉटेड, सबसे ज्यादा देखी गई है, तो वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। वैसे इसके बारे में बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। चिल्का लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी, हो गया बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा वाला एरिया हो गया यहाँ पर, तो ये लैगून एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। किसके माउथ पे है, यही है दया रिवर, दया रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दया रिवर के माउथ पर ये आप लोगों के सामने है, और ये आप लोगों को सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का आप लोगों को लैगून यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे बड़ा आप लोगों को न्यू कैलेडोनिया, ये आप लोगों को बैरियर रीफ देखने को मिलेगा कैलेडोनिया में। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये लार्जेस्ट है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये सेकंड लार्जेस्ट लैगून आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके का एरिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाटरिंग इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, कई सारी माइग्रेटरी बर्ड भी यहाँ पर आती है, और कई तरीके यहाँ पर एनिमल्स के और जो प्लांट्स की थ्रेटन स्पीसीज भी पाई जाती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी अच्छा इकोसिस्टम है यहाँ पर, लार्ज जो फिशरी है उनके लिए, तो इसलिए काफी न्यूज में भी ये रहता है, और टूरिस्ट प्लेस भी इसको काफी अच्छा माना जाता है, काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग इसको देखने को आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर ये नजर आ रहा है, तो भी इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद जरूर रखिएगा, चिल्का लेक उड़ीसा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, खासकर जो यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, यह है इंडिया ईयर बुक, इसको इंडिया 2018 भी बोला जाता है और भारत 2018 भी बोला जाता है, तो ये किताब आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। लॉन्च किसके द्वारा की जाती है, ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की जाती है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके अंडर में, आज के में ये स्मृति ईरानी जी के अंडर में है। देखिए ये काफी लेंथी आप लोगों को बुक देखने को मिलेगी, लगभग 1000 से ज्यादा इसमें आप लोगों को पेजेस देखने को मिलेंगे। ये बुक अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोग अपनी स्टडी के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे करना है, जो भी चैप्टर है, पॉलिटिकल चैप्टर अलग निकाल लीजिएगा, तो पॉलिटिकल चैप्टर डिस्कस हो जाएंगे वहां पर, इसी तरीके साइंस का चैप्टर साइंस के साथ में हो जाएगा, कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग चैप्टर यहां पर अलग अलग एरिया देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है यहां पर आप लोग उसको कवर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं एक दो इस ईयर बुक से जरूर। प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कई बार पूछ ले जाते हैं, ज्यादा अपडेटेड तो ये रहती नहीं है, वैसे आप लोगों को पुरानी ईयर की ही देखी चीजें देखने को मिलेगी, पर फिर भी एक बार को नजर मार लेनी चाहिए, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना होता है यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, और इसको मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे लिंक मिल जाता है कहीं से, अगर मुझे ये बुक मिल जाती है इसकी जो पीडीएफ की फॉर्म में, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको जाकर, फेसबुक पर आप लोगों को मिल जाएगी, पर लेकिन तभी अगर मुझे लिंक मिल पाएगा तो देखूंगा, अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिल गया तो दोनों का डाल दूंगा, वरना जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको जरूर डालूंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास में है तो मैं ये जहां पर पीडीएफ अपलोड करूंगा इसको, तो आप लोग उसके नीचे इसका लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा, ताकि मैं सबको शेयर कर सकूं, ठीक है ना। तो आप लोग जहां पर पीडीएफ अपलोड करूंगा मैं फेसबुक पर यहां पर, तो इसके नीचे आप लोग लिंक पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं सबको प्रोवाइड करा सकूं, अगर आपके पास में है तो, ठीक है। मिलजुल कर देखिए काम करना चाहिए हमेशा, जिससे सबका फायदा हो जाए। इससे क्या रहेगा, जिसके किसी के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत दूर दराज एरिया में रहते हैं, उन तक चीजें नहीं पहुंच पाती है, तो एक दूसरे से साथ में मिलजुल कर काम करेंगे तो सबका फायदा हो जाएगा यहां पर, और एक अच्छा एनवायरमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा किसी के पास में है तो जरूर प्रोवाइड करा दीजिएगा, अगर मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करा दूंगा, ओके। और इसको शेयर भी कर दीजिएगा फिर, ताकि सबके पास में पहुंच जाए जिसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज की जाती है, तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज की जाती है। एक कंप्लीट ईयर का ओवरव्यू होता है, जो लास्ट ईयर गया हुआ है उसका ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, दो वर्जन रहते हैं, एक हिंदी रहता है, एक इंग्लिश रहता है। इंग्लिश को बोलते हैं इंडिया 2018 और हिंदी को बोलते हैं भारत 2018, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पूरा वॉल्यूम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका। थोड़ा सा कृष्णा रिवर के बारे में आज जान लेते हैं। कृष्णा रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, फोर्थ बिगेस्ट रिवर हमारी कंट्री की। जब ये फोर्थ है तो तीन कौन सी है इससे बड़ी बड़ी, पहली हो गई गंगा, दूसरी हो गई गोदावरी और तीसरी हो गई ब्रह्मपुत्रा। गोदावरी के बारे में आप लोगों को अभी बताया था, गोदावरी को साउथ की गंगा भी बोला जाता है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में, और साउथ में अगर देखा जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ी रिवर है। और एक बात और पता होनी चाहिए, जो नॉर्थ की रिवर है वो सारी ग्लेशियर के ऊपर डिपेंड रहती है, इसलिए उनको एवरग्रीन रिवर भी बोला जाता है। तो अगर एवरग्रीन रिवर में सबसे बड़ी रिवर पूछा जाए तो भी गंगा है, और वैसी रिवर में नॉर्मली देखा जाए तो गंगा की रैंक फर्स्ट है। पर लेकिन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरग्रीन रिवर के अलावा जो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है, उन रिवर में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो ये आप लोगों को गोदावरी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के बनाया जाए तो आप लोगों को क्वेश्चन का वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इधर उधर से घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आप लोग देखते हैं यहां पर कृष्णा रिवर आप लोगों को मैप में नजर आ रही होगी, तो थोड़ा याद रखिएगा किस किस एरिया में आप लोगों को नजर आएगी। ये महाराष्ट्र,
कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, चार एरिया में काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर इरिगेशन के प्रोजेक्ट और भी कई सारे मल्टी आप लोगों को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराते हुए इसके द्वारा दिखेंगे, तो काफी शानदार मानी जाती है। फोर्थ नंबर की है तो काफी बड़े स्केल पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जाकर कहाँ गिर जाती है, गिर जाती है ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि फ्लो किस डायरेक्शन में कर रही है। इसका एक और नाम पुकारा जाता है कृष्णावीनी, आप लोगों को ये भी अगर पूछा जाए तो इसका भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। और स्टेट के बारे में तो देखिए आप लोगों को नॉर्मली पता ही होना चाहिए, क्योंकि स्टेट कई बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट से होते हुए गुजर रही है, तो इस तरीके की बातें आप लोगों के सामने कई बार आ जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारी फैमिली में उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हम शाम को पॉलिटी भी डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉलिटी में अब यहाँ पर हमारी कमेटी चल रही है। ऑलरेडी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दो कमेटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आज शाम को आप लोगों को तीसरी कमेटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर पार्लियामेंट्री आप लोगों कमेटी जहाँ पर चल रही है आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो की काफी शानदार कमेटी है, पैक भी जिसको बोला जाता है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कल शाम हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 बजे, वो थी एस्टिमेट कमेटी, और आज शाम आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है एक बहुत शानदार कमेटी, तो एक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें भी आप लोगों को मैंने तीनों का कंपेयर भी यहां पर करके दिखाया, तो आप ही काफी शानदार तरीके से यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, शाम को पॉलिटिकल डिस्कस करें, सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे। और रिविजन पे हम आ गए 79th लेक्चर पे, यहां पर बात की गई थी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसको भी आप लोग लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, ये लिंक आप लोगों को यहां पर भी मिल जाएगा और यहां पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, जहां पर भी सुटेबल लगे, बस आप लोगों को देखना है लेक्चर, आप लोगों को रिविजन करना है जाकर, जो पुराना देख चुके हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाकर यहां पर इसको लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा योजना का पोर्शन देख लेते हैं, योजना में हमारा चल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके बारे में नजर डाल लेते हैं। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन होती है, काफी शानदार तरीके से आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं एसे लिखने में या फिर कोई क्वेश्चन लिखने में, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और एसे लिखना चाहता है, तो काफी शानदार तरीके से आप लोग इससे एसे लिख सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर एक नया एरा चला दिया है यहाँ पर जीएसटी ने, जी हाँ बिल्कुल चला दिया है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इनडायरेक्ट टैक्स था हमारी कंट्री में बहुत जगह डिवाइड हुआ करता था, पर लेकिन इसको इसने इकट्ठा कर दिया, एक यूनिफॉर्म टैक्स बना दिया, एक यूनाइटेड टैक्स इसने बना दिया, ताकि हमारी कंट्री में इसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके और आसानी से इंप्लीमेंट करने के साथ में आसानी से इकट्ठा भी किया जा सके। नॉर्मली कास्केडिंग ऑफ द टैक्स हुआ करती थी हमारे यहाँ पर, मतलब क्या है, मतलब ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करता था। अगर कोई इंसान मतलब गाड़ी बनाना स्टार्ट करता है तो मान लीजिए पहले वो एक क्या लेके आया, पहले टायर लेके आया, ठीक है ना, टायर लेके आया, फिर वो रिम लेके आया, फिर उसका हैंडल लेके आया, फिर स्टेपनी लेके आ रहा है, तो अगर वो कोई भी प्रोडक्ट लेके आता था उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता था, पहले टायर लेके आया फिर उसको लगा के उसने सारी चीजें, फिर गाड़ी बेची तो गाड़ी पे टैक्स लग गया, तो टैक्स की कास्केडिंग होती रहती थी। अब उसको आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्टार्टिंग में टैक्स ना लग के आप लोगों के फाइनल डेस्टिनेशन पे टैक्स लग जाएगा, जब पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तब यहाँ पर टैक्स लगता हुआ नजर आएगा। और एक कॉमन मार्केट आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि जो टैक्स का कलेक्शन होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक जीएसटीएन नेटवर्क के तहत यहाँ पर इसको कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखने को मिलेगा जब इसको ऑनलाइन कलेक्ट किया जाएगा तो काफी अच्छा यहाँ पर शांति में सब कुछ काम हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर एक नई चीज नजर में आएगी कि हमारे यहाँ पर एक टैक्स का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में हम कम यहाँ पर लागत लगाते हैं तो वो कंपेटिटिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया यहाँ पर, एक बिस्किट का पैकेट बनाया और दो बाहर की कंट्री से भी हमारी कंट्री में कोई बिस्किट का पैकेट बेचने के लिए आ रखे हैं, अगर हमारे वाला बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का है और सामने वाले का भी यहाँ पर 10 और 11 रुपए का है तो दोनों में कंपटीशन रहेगा। ये अलग बात है कि कौन सा टेस्टी है, वो बात की बात हो जाती है, पर लेकिन अगर देखा जाएगा कंटेंट के हिसाब से अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों में कंपेयर किया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक कंपिटेटिव मार्केट बन जाती है और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर नजर आता है, टैक्स का बर्डन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आता है। और जब टैक्स का बर्डन कम होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पर पहले 10 का बेचा जा रहा था, अब वो 5 का या फिर 8 का बेचा जा रहा है, तो इंसान के पास में क्या रहेगा, पैसे बच जाएंगे, जब पैसे बचेंगे तो क्या करेगा, उसको कुछ और खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा एक साइकिल बन जाती है, इंसान के पास में पैसा बच जाता है वो कुछ और खरीदेगा, फिर मैन्युफैक्चरर को और ज्यादा पैसे और ज्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से और ज्यादा यहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो फिर से हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी, तो एक साइकिल यहाँ पर बन जाती है, वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है अगर एक इकोनॉमी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट होता रहता है और प्रोडक्ट का कंजप्शन
एक्सपेंशन होता रहता है, तो पूरी ग्रोथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसको समझ सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है तो पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी और हमारी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में चलाया जाता है। मेक इन इंडिया का सीधा सीधा मतलब यही है किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं और उस इंप्लॉयमेंट जनरेट करने की वजह से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ पाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और पॉसिबल क्या है, पॉसिबल तब है जब यहाँ पर हम एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर टैक्स की स्ट्रक्चर में भी चेंज नजर आएगा और उसी की वजह से कहीं ना कहीं फिर से प्रोडक्ट हमारा सस्ता होता हुआ नजर आएगा कंपटीशन की वजह से। कहीं ना कहीं पहले बहुत ज्यादा टैक्स अथॉरिटी हुआ करती थी, मतलब टैक्स इकट्ठा करने के लिए आया करते थे, उनको अलग से यहाँ पर खर्चा देना पड़ता था, गवर्नमेंट को अलग से ऑफिसर रखने पड़ते थे, वो भी कहीं ना कहीं कमी आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। जीएसटी नेटवर्क आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आएगा। अब यहाँ पर आसानी से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रिफंड हो सकता है, टैक्स का पेमेंट हो सकता है, सारे काम आसानी से हो जाएगी, कहीं भी कोई मत्था पिच्ची नहीं है। जो पहले बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, ये कागज पत्र उठाओ वो उठाओ, अब सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो आप लोगों को लैकुना देखने को मिलता था, जो ह्यूमन इंटरफेयर देखने को मिलता था, जहां जहां ह्यूमन इंटरफेयर कम हो जाता है वहां वहां ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, वहां वहां करप्शन कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं करप्शन को कम करने में, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जीएसटी का नेटवर्क और जीएसटी आप लोग कंप्लीट टैक्स यहां पर बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों की वजह से आप लोगों को लोअर तो कॉस्ट होती नजर आएगी, लोअर कॉस्ट होगी तो वो फिर वही साइकिल जो मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी, टैक्स के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पे ये काफी शानदार तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है और जब से हमारी कंट्री आजाद हुई है तब से लेकर आज तक का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हमारी कंट्री में नहीं हुआ है जितना बड़ा टैक्स रिफॉर्म ये किया गया है। तो इसलिए भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इसलिए भी आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके साथ साथ में देखिए आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल की जब बात करते हैं तो चेयरपर्सन कौन होता है यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर चेयरपर्सन होता है और वाइस चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलेगा, चूज किया जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट के आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑल मिनिस्ट्री जो रहेंगी स्टेट्स के, वहां से सारे के जो स्टेट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें से आप लोग मिनिस्टर नजर आएंगे। कोरम यहाँ पर कितना होना चाहिए, 50% लोग होने चाहिए यहाँ पर मीटिंग को चलाने के लिए। जो यहां पर स्टेट को बोला गया 2/3 यहां पर वेटेज होना चाहिए और सेंटर का 1/3 यहां पर वेटेज दिया गया है, तो डिसीजन लगभग 75 मेजोरिटी यहां पर निकल के आएगी तब यहां पर डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए आप लोगों को इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बोलूं तो ज्यादा पावर किसके हाथ में है, ज्यादा पावर दे दी गई है स्टेट के हाथ में, स्टेट को ज्यादा पावर दे दी गई है जिसके बेस पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई भी अगर चेंज करना होगा तो स्टेट की मर्जी के बिना कल को इसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, कोरम कितना होता है, कितना वेटेज स्टेट को दिया गया, कितना सेंटर को दिया गया, मेजोरिटी का डिसीजन कितना होना चाहिए, चीफ कौन होता है यहाँ पर, चेयरपर्सन कौन होता है, तो कुछ भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इसी बहाने से आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन भी है, ये भी आप लोगों के किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से। पहला क्या बोला गया यहाँ पर, जीएसटी के बारे में पढ़ के बता रहा हूं, ओनली क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप लोगों को खुद से करना है। जीएसटी के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पर कि ये कंजप्शन पे फोकस किया जाता है यहाँ पर, मतलब जीएसटी जो लगाया जाता है कि ये प्रोडक्शन पर लगाया जाता है एज कम्पेयर टू कंजप्शन। आंसर मैं दे चुका हूं, अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। एलिमिनेट करता है मल्टीपल टैक्स जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है उसको, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएसटी काउंसिल के बारे में जो मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया, आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। दो ही क्वेश्चन है आज पर, आंसर जरूर दीजिएगा, इनका काफी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछे थे उनका आंसर एक बार। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, 2015 में यहाँ पर चला था उसके बारे में पूछा गया, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने आज तक साइन नहीं किया है। ये आप लोगों को देखने को मिला, फर्स्ट सीरिया देखने को मिलेगा, वैसे इतना ज्यादा महाभारत चल रहा है यहाँ पर, ये फालतू के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे, उनको क्या एनवायरमेंट की पड़ी है जहां पर जान नहीं बच पा रही है। सबसे पहले तो इंसान जान को देखता है, अगर जान बच जाए तो दूसरी चीजों के बारे में सोचेगा ना, तो पहले यहाँ पर जान बच जाए उसके बारे में देख लेंगे क्या करना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। राजमनार कमेटी के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो ये सजेस्ट किया गया था इसके द्वारा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्टेट्स पर ज्यादा फोकस दिया जाए ताकि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा सके, ये सजेशन इसने दिया था इस कमेटी के द्वारा, मतलब ये आप लोगों को सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये कमेटी नजर आएगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड ये कमेटी है। तो आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ी नजर डाल लेते हैं।
बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं किस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है, आप लोग रिवीजन को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर हम लोगों ने एलईडी के बारे में डिस्कस किया, जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट चलाया गया था आंध्र प्रदेश में, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, कौन यहाँ पर पे कर रहा है, फ्रांस पे कर रहा है, थोड़ी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर नेफिडा के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किस तरीके से एग्रीकल्चर की मार्केट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कोर सेक्टर के बारे में, हमारी इंडस्ट्री के, हमारी कंट्री के 8 कोर सेक्टर है जिसके बेस पर हमारी इंडस्ट्री टिकी होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर सुपर 40 के बारे में, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर इरवाडी डॉल्फिन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों को चिल्का लेक के बारे में जानने को मिला। इसके नेक्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये आप लोगों को देखने को मिला इंडिया ईयर बुक के बारे में, मैंने आप लोगों से बोला था अगर किसी के पास में हो तो प्रोवाइड जरूर कराइएगा। नेक्स्ट कृष्णा रिवर के बारे में हम लोगों ने जाना, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को रिवीजन करना है, ये रिवीजन जरूर कीजिएगा जाकर। इसके बाद में हम लोगों ने जीएसटी के बारे में कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानी और इसके साथ में आप लोगों ने पूरा ये जीएसटी का आर्टिकल देखा। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया और इससे रिलेटेड आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन भी है, जीएसटी के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर आप लोगों के सामने है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए चीजों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, अच्छी चीजें शेयर कर देनी चाहिए। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिएगा और पॉलिथीन का और प्लास्टिक का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है या फिर कम से कम करना है। और देखिए कोशिश कीजिएगा जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय कीजिएगा, देरी नहीं आते हैं त्यौहार, अपना एंजॉय कीजिए अच्छे से, उसके बाद में अच्छे से फिर पढ़ाई पर लग जाइएगा, पर अपनी आंखें और बॉडी को थोड़ा सेव कीजिएगा, मतलब बॉडी पर कोई नुकसान न पहुंचे। ओके, तो अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय कीजिए जितना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।